हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MNP गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नज़र डालेंगे और इस तरीके से नज़र डालेंगे कि जिससे कि जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे उसको आसानी से ये करंट अफेयर्स याद रहे। जो व्यक्ति विशेष तौर पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, चीज़ों को अच्छे से समझ लें और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो लेकर आएँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहली खबर है, सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार प्रदान किया। देश में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान पिछले 5 वर्षों में एक जन आंदोलन बन गया है। यूनाइटेड नेशंस ने स्थायी विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत उन्हें अनुसूची से 11 साल पहले हासिल करेगा। दूसरी खबर है, दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उच्च गति ट्रेन वैष्णो देवी मंदिर के अंतिम स्टेशन यानी कटरा से दिल्ली के बीच यात्रा के समय को मौजूदा जो 12 घंटे लगता था, अब वो यात्रा 8 घंटे में पूरी कर लेगी। ट्रेन का जो कमर्शियल रन है वो 5 अक्टूबर 2019 से शुरू हो चुका है और टिकट की बुकिंग एस यूजुअल IRCTC के वेबसाइट से होगी। फ्रेंड्स, जो तीसरा न्यूज है, राष्ट्रपति ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 प्रदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों को बुजुर्ग व्यक्तियों के हित के लिए उनकी सेवाओं के सम्मान में वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। वयोश्रेष्ठ सम्मान सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कारों की एक योजना है और इसे 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स, चौथा कवर है, राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 की शुरुआत। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को पर्यटन पर्व 2019 शुरू हुआ। यह पर्व 13 अक्टूबर 2019 तक कंटिन्यू रहेगा। इसका उद्देश्य देश के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए पर्यटन के संदेश को फैलाने के लिए देखो अपना देश के संदेश का प्रचार करना है। फ्रेंड्स, पांचवा न्यूज है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई। 3 अक्टूबर 2019 को रूस के उलान उड़े में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप के 11th एडिशन में कम्पीट करेंगे। भारत की MC मैरी कॉम एक मजबूत पदक दावेदार के रूप में फिर से 51 किलोग्राम वर्ग में स्टार्ट करेंगी। स्पॉटलाइट पूर्व चैंपियन और 60 किलो वर्ग में मैरी कॉम की समकालीन एल सरिता देवी पर भी होगी। फ्रेंड्स, छठवा और इम्पोर्टेंट न्यूज है, राजस्थान पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान जो है भारत में महाराष्ट्र और बिहार के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू, खनिज तेल और सुगंधित सुपारी वाले पान मसाला की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाला थर्ड स्टेट बन गया। यानी कि अब राजस्थान में पान मसाला बिकना बंद हो जाएगा महाराष्ट्र और बिहार के बाद। ऐसे सभी उत्पादों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, करना तो ये चाहिए कि पूरे भारत से इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि पान मसाला खाने से कितने नुकसान होते हैं इससे हर व्यक्ति अच्छे से परिचित है। फ्रेंड्स, सातवां और
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, चीन ने DF-41 मिसाइल का किया अनावरण। चीन द्वारा कम्युनिस्ट शासन के 70th वर्षगांठ पर चीन ने राष्ट्रीय दिवस परेड पर क्या किया, उन्होंने ग्रह के यानी इस प्लैनेट के सबसे पावरफुल मिसाइल Dongfeng-41 यानी DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया। यह धरती पर किसी भी मिसाइल से अधिक 9,320 मील तक की सीमा तय कर सकती है। तो फ्रेंड्स, चीन ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। ये था एक इंपॉर्टेंट न्यूज। आठवां न्यूज है, जयपुर स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ऊपर। जयपुर जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उसको भारत में सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना गया है। महात्मा गांधी की 150th जयंती के अवसर पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अनावरण की गई रेलवे की स्वच्छता सर्वेक्षण की शीर्ष 10 सूची में राजस्थान के 3 स्टेशन को शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। टॉप 3 में जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुरा है। टोटल 720 स्टेशन पूरे देश में इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए थे। जिन 109 उपनगरीय स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया है, उनमें अंधेरी, विरार और नायगांव शीर्ष 3 थे। फ्रेंड्स, नौवीं खबर है, DGTR ने आर्टिस नाम से एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया। सबसे पहले DGTR और आर्टिस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। DGTR का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, और आर्टिस यानी ARTIS का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी DGTR ने डोपिंग मुद्दों के शीघ्र समाधान की सुविधा के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा एंटी डोपिंग एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली आर्टिस ARTIS शुरू की है। आर्टिस जो है वह व्यापार के उपाय के संबंध में आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए विकसित किया गया है। दसवां न्यूज है, PM मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए डाक टिकट और चांदी का सिक्का भी जारी किया। तो फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को बापू की 150th बर्थडे था, उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत दिवस का उद्घाटन किया। 11वां न्यूज है, दीना अशर स्मिथ ने जीता विश्व 200 मीटर का स्वर्ण। इस समय दोहा में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है एथलेटिक्स की, और वहां पे आपको रोज कुछ ना कुछ नया खबर सुनने में आ रहे हैं। उस सिलसिले में दीना अशर स्मिथ ने जीता विश्व 200 मीटर का स्वर्ण। ये हासिल सफलता हासिल करने वाली वो एक पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। उन्होंने 100 मीटर में जो है सिल्वर मेडल भी जीता, और 21.88 सेकंड से यानी 21 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय लेकर उन्होंने ब्रिटिश रिकॉर्ड में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 12वां खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ये बहुत बड़ी सफलता अपने देश के लिए है, जिसे हम कहते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया अपना देश। और ये सुनकर और ये जानकर आप सभी को काफी खुशी मिली होगी। भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरणों के रूप में पानी के इष्टतम उपयोग और एकल उपयोग प्लास्टिक को हटाने पर जोर दिया है। उन्होंने वाटर रिचार्ज और वाटर रिसाइकिल की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। फ्रेंड्स, वाटर कंजर्वेशन और सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बंद करने के लिए भारत सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है, और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। और अगर प्लास्टिक का यूज हम बंद कर देंगे तो आगे आने वाला जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। 13वां न्यूज है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, और मानव स्थिति की बेहतरी में उसके योगदान का जश्न है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है 1999 में उन्होंने घोषित किया था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इस बार का यानी 2019 का थीम है द मून गेटवे टू द स्टार्स। ये थीम है वर्ल्ड अंतरिक्ष सप्ताह का यानी वर्ल्ड स्पेस वीक का। 14वां खबर है फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छी खबर है, लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया 4 अक्टूबर 2019 को।
किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और ये देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है, या यूं कहें कि देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। ये क्वेश्चंस लगभग लगभग हर एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान रखें। और ये चला है कहां से कहां तक? लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन अग्रिम डिब्बों के साथ चलेगी, जिसमें चाय कॉफी वेंडिंग मशीन कॉल बेल और टॉयलेट इंडिकेटर की सुविधाएं भी होंगी। और यात्रियों को अच्छा खाना और अच्छा पेय पदार्थ भी उपलब्ध कराने के लिए तेजस एक्सप्रेस की जो मैनेजमेंट है वो दृढ़ संकल्प है। 15वीं खबर ट्रेन से ही रिलेटेड है। सरबत दा भला नाम की एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किन्होंने किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, हर्षवर्धन जी ने और हरसिमरत कौर बादल ने 4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नए नाम से ये जो ट्रेन है, नई दिल्ली लुधियाना इंटरसिटी एक्सप्रेस को ये नया नाम दिया गया, सरबत दा भला। नई दिल्ली से पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी होते हुए लोहियन खास तक जाएगी। 16वीं खबर है, अजीज बेक आशुरो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता। किर्गिस्तान के ह्यूमन राइट वकील यानी मानवाधिकार वकील अजीज बेक आशुरो को 2019 का संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 7 अक्टूबर 2019 को यानी कि कल के दिन पे जिनेवा में एक समारोह में एक स्मारक पदक और $ करीब 1.5 लाख पुरस्कार राशि के नगद पुरस्कार से सम्मानित होंगे। उन्होंने किर्गिस्तान को राज्य विहीनता को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बनाने में मदद की है। 17वां खबर है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की पहल, उस पहल का नाम है मो सरकार। इन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को मो सरकार कार्यक्रम शुरू किया। मो सरकार का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और व्यावसायिकता पर प्रतिक्रिया एकत्र करके शासन में सुधार करना। यह कटक, संबलपुर और बहरामपुर के 11 जिला मुख्यालय, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लॉन्च होगा। 18वीं न्यूज़ है, महिंद्रा फोर्ड ने संयुक्त उद्यम की घोषणा की, यानी जॉइंट वेंचर की घोषणा की। महिंद्रा ने और फोर्ड मोटर कंपनी ने 1925 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर बनाने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किया। नई इकाई में महिंद्रा और महिंद्रा की शेयर 51% होगी और बाकी जो 49% शेयर है वो फोर्ड की होगी। समझौते के अनुसार फोर्ड भारत के संचालन को जॉइंट वेंचर में स्थानांतरित करेगा, जिसमें चेन्नई और साणंद में उसके कर्मी और असेंबली संयंत्र शामिल हैं। तो महिंद्रा और फोर्ड में एक जॉइंट वेंचर अब हो गया और दोनों जॉइंट वेंचर में ही इंडिया में काम करेंगे। 19वां खबर, भारत को अपना पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मिला। भारत को बांद्रा वर्ली सीलिंग यानी मुंबई में अरब सागर के पास पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट जो है मिल चुका है और इसे 2 अक्टूबर 2019 को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है, ये स्टेट लेवल के एग्जाम में या बैंकिंग एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है। 20वां खबर है, अभ्यास एक्यू वेरिन का आयोजन। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यू वेरिन का 10th एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में औंध सैन्य स्टेशन पर 7 से 20 अक्टूबर 2019 से आयोजित किया गया। भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल 2009 के बाद से अभ्यास एक्यूवेरिन, जिसे धीवेई भाषा में मित्र कहा जाता है, का आयोजन कर रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि एक्यूवेरिन जो है वो किसके किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच। आप अगर इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। 21वां न्यूज भी, ये भी एक तरीके का संयुक्त अभ्यास है, इंडो मंगोलियाई संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019। नोमैडिक एलिफेंट नाम से भारत और मंगोलियाई जो सेना होती है उनके बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज किया जाता है। इंडो मंगोलियाई संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 14वां एडिशन अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 14 5 अक्टूबर 2019 से शुरू हो चुका है। अभ्यास जो है 5 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2019 तक बकलो जो हिमाचल प्रदेश में है वहां आयोजित किया जा रहा है। मंगोलियाई सेना का प्रतिनिधित्व
कुलीन 84 एयरबॉर्न स्पेशल टास्क बटालियन के अधिकारियों और सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन की टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। 22वां खबर है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने 4 अक्टूबर 2019 को YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च की। 10,000 रुपए की राशि आवर्ती व्यय जैसे वाहन के बीमा और रखरखाव के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र खरीदने के लिए है। इससे हर साल 10,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा और राशि सीधे आपके बैंक खातों में जमा की जाएगी। 23वां खबर है, नियुक्तियां। राष्ट्रपति ने 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 अक्टूबर 2019 को 7 हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट की है। नाम एक बार पढ़ लेते हैं, बेसिकली नाम नहीं पूछता है लेकिन बता देते हैं तब भी। लिंगप्पा नारायण स्वामी बने हैं हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस। रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बने हैं। इंद्रजीत मोहंती राजस्थान हाई कोर्ट के बने हैं। जेके माहेश्वरी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं। एस मणिकुमार केरल हाई कोर्ट के बने हैं। अरूप के गोस्वामी सिक्किम हाई कोर्ट के बने हैं और अजय लांबा गुवाहाटी हाई कोर्ट के बने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, 24वां न्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.15% किया। रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जिसे हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा बोलते हैं, उसके तहत पॉलिसी रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 5.40% से 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.15% कर दिया है। LAF यानी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी तरलता समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो रेट भी 4.90 और सीमांत स्थायी सुविधा MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है और बैंक रेट को 5.4% तक कम कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले जो मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी की बैठक में 6.9% GDP ग्रोथ का 2019-20 में अनुमान लगाया था, उसे अब संशोधित करके 6.1% कर दिया गया है। याद क्या रखना है, रेपो रेट इस समय 5.15% है, रिवर्स रेपो रेट 4.9% है, MSF और बैंक रेट 5.4% है और भारत की जो GDP ग्रोथ 6.9% पिछले बैठक में जो अनुमान लगाया गया था अब उसको 6.1% कर दिया गया है, जो चिंता की बात है। 25वां है, BSNL ने पेटीएम के साथ साझेदारी की। फ्रेंड्स ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BSNL ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है और इसने भारत में स्मार्ट वाईफाई अनबोर्डिंग सुविधा की पेशकश करने के लिए पेटीएम के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई को अपनाने में क्रांति लाना है। BSNL और पेटीएम एक साथ काम कर रहे हैं ताकि डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए अधिक हॉटस्पॉट स्थानों का को सक्षम किया जा सके। यह कदम एक डिजिटल और संयुक्त भारत के मिशन को बढ़ावा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, 26वां जो न्यूज़ है वो है बंधन बैंक और गृह फाइनेंस का विलय। मर्जर हो गया है बंधन बैंक और गृह फाइनेंस का। बंधन बैंक और गृह फाइनेंस का विलय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के समामेलन की योजना के मंजूरी के साथ होगा। इस योजना को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को के कलकत्ता और अहमदाबाद बेंच द्वारा अनुमोदित किया गया है। 17 अक्टूबर 2019 को विलय की गई इकाई के शेयर धारकों के निर्धारण के लिए योजना की प्रभावशीलता के बाद रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया गया है। ठीक है, 27वां खबर है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर यानी वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में जानवरों के कंजर्वेशन यानी संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। इस दिन जानवरों के कंजर्वेशन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का पर्व भी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के जानवरों के कल्याण मानकों के प्रति जागरूकता फैलाने और इसमें सुधार करने के लिए समर्पित है। फ्रेंड्स 28वां न्यूज,
यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कॉसमॉस के सोयूज कमांडर एलेक्सी ओविचिन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अंतरिक्ष यात्री हज्जा अली अलमान, सॉरी नाम थोड़ा सा इन लोगों का अजीब और गरीब है इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, 8 दिन के प्रवास के बाद 4 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। चालक दल कजाकिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरे, ठीक है। 29वां जो खबर है, भारत कजाकिस्तान का 12 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। भारत और कजाकिस्तान के बीच पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान देने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हो चुका है। काजिंद 2019 का नाम है, 12 दिन का अभ्यास है, 15 अक्टूबर 2019 को समाप्त होगा। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देने के साथ कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करना है। 30वां खबर है, कैटरीना जॉनसन ने हेप्टाथलॉन स्वर्ण जीता। जैसा बताया गया कि दोहा में इस समय विश्व चैंपियनशिप 2019 चल रहा है, कैटरीना जॉनसन ने दोहा में जो कतर की राजधानी है विश्व चैंपियनशिप 2019 में हेप्टाथलॉन स्वर्ण जीत लिया है। उन्होंने 6981 अंकों के साथ ब्रिटिश रिकॉर्ड हासिल भी की और जीत भी हासिल की। उन्होंने 2017 के चैंपियन नफी सतोथियाम को 304 अंकों से हराया, ठीक है। और आज का आखिरी जो खबर है वो भारत में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण का पहला संयंत्र मथुरा में स्टार्ट हो चुका है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया। विशेष रूप से इस संयंत्र का एक मॉडल प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रदर्शन के लिए रखा गया था, जब से स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में कुछ समय पहले मथुरा वो आए थे। यह मॉडल अब मथुरा नगर निगम MMC के खाई मैदान में पूर्ण पैमाने पर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर के 31 ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही नॉलेजेबल करंट अफेयर्स, बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं, आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।